सरकार का जल जंगल जमीन बचाने का दावा सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर रह गया है। धरातल पर जंगलों की कटाई जोरों से हो रही है। जिले के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जंगलों की कटाई जोरों पर है। वनपटा लेने के लिए लोग जंगलों की कटाई कर जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। वहीं लकड़ी माफियाओं द्वारा भी जंगलों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है। साथ ही जंगलों में ही बड़े बड़े लकड़ियों से बाउंड्री लाइन बनाकर उसके अंदर लकड़ी के पटरा समेत कई और वस्तुएं बनाए जाते हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण वन विभाग को पुलिस की सहायता मिलने में परेशानी हो रही है। वन विभाग में कम संख्या में वनकर्मी होने के कारण भी सही तरीके से कार्रवाई करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि लोहरदगा जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र पेशरार प्रखंड अंतर्गत किरारा और आसपास के जंगलों में सखुआ के पेड़ों की कटाई जोरों पर है। लकड़ी माफियाओं द्वारा पहले सखुआ के पेड़ों की छाल के नीचे से निकाल देते हैं ताकि कुछ दिनों बाद यह पेड़ सूख जाए। इसके बाद इन पेड़ों की कटाई कर देते हैं। पूरे जंगल के इलाके में पेड़ों की कटाई जोरों पर है। अगर इसी तरह चलता रहा तो जल्द ही जंगल समाप्त हो जाएगा। लोहरदगा डिवीजन के वन प्रमंडल पदाधिकारी अरविंद कुमार ने बताया कि पेशरार के किरार क्षेत्र में वन विभाग को परेशानी होती है, क्योंकि वह नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के साथ ही जंगलों में नक्सलियों द्वारा कई जगहों पर लैंड माइंस लगाया जाता है। साथ ही सेंसिटिव क्षेत्र होने के कारण पुलिस की भी सहायता नहीं मिल पाती। उस क्षेत्र में नेटवर्क की भी समस्या है। जब भी सूचना मिलती है तो मौके पर जाकर कार्रवाई की जाती है। लोगों में भ्रामक फैली हुई है कि वन पटा को लेकर और इसका फायदा उठाकर लोग वनों की कटाई कर रहे हैं। आप जहां बता रहे हैं पेशरार के जो कुछ एरिया में, उसमें एक अलग किस्म का दिक्कत है कि वो सेंसिटिव जोन है, उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है, तो वहां जाने में कम संख्या में एक्शन नहीं लिया जा सकता है। एक ये दिक्कत आती है, और जब हम लोग पुलिस का सहायता मांगते हैं तो वो लोग भी तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ पे कई जगह माइनिंग लैंड माइनिंग बिछाया हुआ है, कुछ घटनाएं भी हुई हैं, तो पुलिस का हम लोग को सहयोग उस इलाके में नहीं मिल पाता है। और सेंसिटिव होने के कारण हम लोग कम संख्या होने के कारण तुरंत कार्रवाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब भी सूचना मिलती है तो बाद में जाके जब्ती की जाती है, केस किया जाता है, और अगर कोई सामने आए तो उसको गिरफ्तार भी किया जाता है। विलम्ब भले हो लेकिन कार्रवाई होगी। इसमें एक बात और ध्यान में आ रहा है कि कुछ लोग वन भूमि का पट्टा लेने के लिए कुछ लोगों के बहकावे में आकर जंगल काट के सफाई करके उसको अपने कब्जे में करना चाहते हैं, ताकि उस भूमि को अपने कब्जा में दिखाते हुए वन पट्टा के लिए आवेदन कर सके। लेकिन जब जांच पड़ताल होता है और पाया जाता है कि वो कब्जा हाल का है तो उसको नहीं मिल पाता है। तो हम लोग जहाँ तक संभव हो समझाते हैं ग्रामीण को कि जो बाद में इंक्रोचमेंट होगा, अतिक्रमण होगा, उसमें पट्टा नहीं मिलेगा, इसलिए इस तरह का अतिक्रमण न करें और वृक्षों को न काटें। फिर भी कुछ असामाजिक तत्व वो लोग बहका फुसला के ग्रामीणों से ही कराते हैं। बहरहाल वन क्षेत्रों में धड़ल्ले से पेड़ों की कटाई की जा रही है, जहां जिले की पुलिस भी इन मामलों से अभिज्ञ है। कहना गलत नहीं होगा कि सरकार की जल जंगल जमीन बचाने का दावा सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर रह गया है। देखने वाली बात यह होगी कि अब सरकार मामले में क्या कदम उठाती है। न्यूज विंग के लिए लोहरदगा से प्रीतम की रिपोर्ट।